CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का चौथा पाठ। अल्लामा इकबाल, सफा 10। तारुफ़े शायर अल्लामा इकबाल, पैदाइश 1877, इंतकाल 1938। पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था, शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे, सियालकोट पंजाब के रहने वाले थे। इकबाल की इब्तिदाई तालीम मिशन कॉलेज सियालकोट में हुई। फ़लसफ़ा और उलूमे जदीदा की तालीम के लिए लाहौर चले गए, फिर विलायत का सफ़र किया और कैम्ब्रिज से फ़लसफ़े में सनद इम्तियाज़ हासिल की। जर्मनी से डॉक्टरेट और लंदन से बैरिस्ट्री की तालीम पूरी की। शायरी का आगाज़ कॉलेज के ज़माने से ही हो गया था। इब्तिदाई दौर की शायरी में कौमी मौजूआत नुमाया हैं। बाद में उनकी तवज्जह बैनुल अक्वामी मसाइल और फ़लसफ़े की तरफ बढ़ती गई। अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी को एक नया रंगो आहंग अता किया है। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से उनकी शायराना अजमत के एतराफ़ में उन्हें सर का खिताब अता हुआ। उर्दू में चार मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगाने हिजाज शाये हुए। अंग्रेज़ी नस्र में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। उर्दू के साथ उनकी फ़ारसी शायरी को भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। फ़ारसी कलाम के जो मजमूए बहुत मशहूर हुए उनमें जावेद नामा, पयाम मशरिक, मसनवी, असरार खुदी और रमूज बेखुदी ख़ास हैं। इकबाल का शुमार उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायरों में होता है। वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं, लेकिन उनकी गज़लें भी आला मयार की हैं। सफ़ा 11। गज़ल को शायर अल्लामा इकबाल की गज़ल। अब पेश है अल्लामा इकबाल की गज़ल। फिर चराग़े लाला से रोशन हुए कुह व तमन, फिर चराग़े लाला से रोशन हुए कुह व तमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है आता है धन जाता है धन, तन की दौलत छांव है आता है धन
जाता है धन। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेख व ब्रह्मन, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेख व ब्रह्मन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन। अल्लामा इकबाल। सफा 12 मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। आपने अब तक जो गजलें पढ़ी हैं उनसे ये गजल आपको मुख्तलिफ क्यों लगी? सवाल नंबर 2। शायर ने फूलों को परियां क्यों कहा है? सवाल नंबर 3। तीसरे शेर में शायर क्या पैगाम देना चाहता है? सवाल नंबर 4। मन की दौलत से शायर की क्या मुराद है? सवाल नंबर 5। गजल के आखिरी शेर में कलंदर ने क्या बात कही है? इसी के साथ ये सबक खत्म होता है। गुलजारे उर्दू भाग 1 का 4th पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 5 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।